खबर शामिल करते हैं लंडी कोतल से। जिला खैबर लंडी कोतल बाजार में रमजान मुबारक के महीने में जिले इंतजामिया की तरफ से सस्ता बाजार में अवाम में आटा और चीनी सस्ती कीमतों पर तकसीम की गई। गुज़िश्ता दो हफ्तों के दौरान सैकड़ों इलाके के करीब अवाम में आटा और चीनी सस्ती कीमतों पर मिल गयी। इलाके की अवाम ने लंडी कोतल जिले इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर अकबर इफ्तिखार और उसकी टीम के इस इकदाम को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फालिया से। शेरेबाल के इलाके में गंदम की खड़ी फसल में आग भड़क उठी। करोड़ों रुपए की तकरीबन 70 एकड़ फसल को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड का अमला भी मौका पर आग बुझाने में मसरूफ। आग के फैलाव से करोड़ों रुपए की फसल जल कर राख हो गयी। खबर शामिल करते हैं बलवाल से। भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफ को अदालत के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल कमर अनवर ने 2019 में मुलजिम के भाई मानुवीर को कत्ल किया था। कातिल मोहम्मद आमिर ने फौरी गिरफ्तारी दे दी। रात 11 बजे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पिस्टल फेंक दिया था। सुबह अदालत पेशी पर आते हुए पिस्टल उठा लिया। खबर शामिल करते हैं नवाब टाउन से। नवाब टाउन पुलिस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। बैनुल इजलाई मंशियात के सप्लायर्स गिरफ्तार। 93 किलोग्राम चर्स बरामद। 2 सगे भाई मंशियात फरोश गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में अली हसन और अहमद हसन शामिल। मुलजिमान इलाका गैर से चर्स मंगवा कर पंजाब के दीगर इजला में फरोख्त करते थे। मुलजिमान चर्स वसूल करके गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की मंशियात फरोशों के नेटवर्क को तोड़ने पर SHO नवाब टाउन माजिद बशीर और उनकी टीम को शाबाश।